अब अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो अपने को सिर्फ ये चेक करना है कि स्कूल की टोटल इस साल की फीस स्कूल को कितनी रिसीव होनी चाहिए थी, कितनी रिसीव हुई है इससे हमको मतलब नहीं है, कितनी रिसीव होनी चाहिए थी और कौन सी चीज किस फिगर में कहां कहां पे जाएगी। गॉट इट? तो अगर अपने को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि एक स्कूल के कितने बच्चे, 500, हर बच्चे की फीस कितनी आ रही है, 1000। तो अगर अपन बात करें तो 500 × 1000, तो 500 × अगर आप 1000 करेंगे तो स्कूल को टोटल फीस रिसीव कितनी होनी चाहिए, 50 लाख। किस साल की? 2021 की। एक्चुअली स्कूल को फीस 2021 की कितनी रिसीव हुई है, 2021 की। इसका कहीं ना कहीं ये अर्थात जाता है कि 2 लाख रुपए तो बकाया है। 2 लाख रुपए क्या है? आउटस्टैंडिंग क्या है? फीस। अच्छा, आउटस्टैंडिंग फीस है, इसका मतलब ये अपने लिए एसेट होगा कि लायबिलिटी? तो सर आउटस्टैंडिंग फीस है, इसका मतलब लोगों को पैसा देना बाकी है कि लोगों से पैसा लेना बाकी, लेना बाकी है। तो ये हमारा क्या होगा, एसेट। आउटस्टैंडिंग फीस हमारी क्या होगी, एसेट। सर कोई भी बच्चा अगर आपको प्रीपेड फीस दे रहा है, जैसे किसी ने 21-22 की फीस भी किसी पेरेंट्स ने भी भर दी, तो जो आपको प्रीपेड फीस मिल रही है तो आप मान के चलिए अगर इसमें आपको कुछ भी प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, मतलब बच्चे ने अगले साल की फीस भी कब भर दी, आज, तो इनडायरेक्टली आपके लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। तो सर इसको अगर अपन प्रॉपर तरीके से समझें कि एग्जाम में कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे चीज आएंगी, तो इसका पूरा सिस्टमेटिक फॉर्मेट बनाते हैं। एक तरफ आपको लिखना क्या है, अगर आपसे मैं बात करूं तो एक तरफ आप बना लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट थोड़ा सा, और उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बड़ा पार्ट बनाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं आप इस प्रकार से, मेरे को आपसे चाहिए कि एक तरफ आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मेरे को मेन इंटरेस्ट रहेगा कौन से पार्ट में, इनकम वाले पार्ट में। तो जो आपका ये इनकम वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या रहता है आपके पास, एक्सपेंडिचर। अब इनकम में आप सबसे पहले लिख दो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बाय सब्सक्रिप्शन अगर हम बात करें, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है ना। अब इसी में अपन क्या ऐड करते हैं हमेशा, प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड। अगर चाहो तो सबकॉन्शियसली ये मान सकते हो तुम्हारे लिए जो भी सब आया होगा वो कौन से साल का होगा, 2022 का बाय डिफॉल्ट। अगर हम बात करें तुम्हारे साल को 2022, और तुम्हारी बुक में जो क्वेश्चन दिए मैं बाय डिफॉल्ट में उनका साल कब का तुम्हारा, 2021। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड का मतलब बाय डिफॉल्ट अभी अपन का मानना है 2021, जब तक क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं हुए, क्योंकि अपन कौन सा साल कमा रहे, 2021 का, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या हो जाएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या हो जाएगा, माइनस। सर इसका मतलब जिन बच्चों के पिछले साल के बकाया थे क्या वो इस साल की फीस होगी कि नहीं होगी, तो इस साल की फीस नहीं होगी। अगर हम बात करूं कुछ एडवांस एट बिगनिंग, वैसे कुछ कभी गिवन नहीं होता ये चीज, तो इसको इग्नोर ही रखना एडवांस एट बिगनिंग को। तो एडवांस एट बिगनिंग क्या हो जाएगा, प्लस एडवांस एट बिगनिंग का अर्थात होता है साल शुरू होने के पहले, मतलब अगर मैं बात करूं बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर टू गेट व्हाट, रेवेन्यू ऑफ द ईयर, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के शुरू होने के पहले आपको क्या मिल गया था, रेवेन्यू। साल के शुरू होने के पहले क्या मिल गया था आपको, रेवेन्यू मिल गया था। इसका मतलब वो इस साल में आया तो नहीं, बट वो इस साल के लिए आया, यस। जैसे अगर इस साल कोई बच्चा 12th ज्वाइन करेगा तो क्या वो मुझे अप्रैल में जाके फीस देगा कि अभी फीस देगा, सर वो मार्च में ज्वाइन कर लेगा तो आपको मार्च में फीस देगा, लेकिन क्या वो फीस मार्च की है अगले साल, तो वो जो पूरी फीस है अगले साल की है, तो भले वो अगले साल नहीं आई, आई इसी साल, हाँ कि ना। तो इस साल के लिए वो क्या हो जाएगी, प्रीपेड एट एंड, इसलिए वो क्या होगी, माइनस। और वही चीज नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगी, प्रीपेड एट बिगिनिंग, इसलिए वो क्या होगी, प्लस। तो इस साल के लिए वो क्या हो जाएगी, प्रीपेड एट एंड, तो क्या होगी, माइनस। और अगले साल के लिए वो क्या हो जाएगी, प्रीपेड एट बिगिनिंग, तो क्या होगी, प्लस। गॉट इट? तो एडवांस एट बिगिनिंग क्या होता है, प्लस, और एडवांस एट एंड क्या होता है आपके पास, माइनस। ठीक है, ये वाला पार्ट भी अपन ने लिख लिया। और साइड में अगर मैं आपसे बात करूं तो इनके कॉलम्स के साथ, मतलब इनकम में आता है तो इसके साथ आपको क्या चाहिए सर, मेरे को इसके साथ एक छोटी सी बैलेंस शीट बनी हुई चाहिए। इस बैलेंस शीट के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, ये सब चीजें बैलेंस शीट में कहाँ शो होंगी क्या वो भी पता होना चाहिए, मैंने बोला हाँ। तो इसके साथ अगर अपन बात करें
एक छोटी सी आपके पास क्या होनी चाहिए, बैलेंस शीट। तो सर बैलेंस शीट बना लेते हैं यहाँ पे। बैलेंस शीट भी बहुत छोटी सी, इस तरफ क्या रहेगी लायबिलिटी और इस तरफ क्या रहेंगे एसेट्स। सर नॉर्मली अगर सबकॉन्शियसली देखें तो एसेट्स कौन कौन से हैं? सर अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग क्या है सब्सक्रिप्शन, तो वो एसेट है आपका, क्योंकि ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब बच्चों की फीस बनती तो थी पर अभी तक मिली नहीं। और यहाँ पे आपके पास वही चीज क्या हो जाएगी आपकी, एक प्रकार से प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। सर क्या ऐसी दो बैलेंस शीट बननी चाहिए? मैंने बोला हाँ, एक बिगनिंग की और दूसरी का की बनेगी एंड की। तो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा साल का, एट एंड, ऊपर का आ रहा है बिगनिंग का, ये किसका है 19-20 और ये किसका है 20-21। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा अगर लेके चले तो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। अब ऊपर वाला पूरा क्वेश्चन अगर इसमें अपने को फिल इन द ब्लैंक्स करना हो तो सर किस प्रकार से होगा? तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है आपके पास? सबसे पहले अगर अपन देख लें तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आपके पास है 50,500, मतलब 50,50,000। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 50.5। हमेशा ध्यान रखना जो आखिरी में दिया होता है, ये जो दिया रहता है हमेशा ध्यान रखना, ये होता है प्रीपेड एट एंड। क्या होता है प्रीपेड एट, क्या ये इस साल का पैसा है कि अगले साल के लिए आया है? अगले साल के लिए। तो किसी और चीज पे ध्यान दो ना दो, ये जो 21-22 का पैसा दिया वो हमेशा क्या दिया हुआ है प्रीपेड एट एंड। और क्योंकि ये प्रीपेड एट एंड गिवन है तो इसको आप एडवांस एट एंड के नाम से 1.5 लाख रुपए क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। सर यहाँ पे क्या अपन 1.5 लाख रुपए माइनस कर देंगे? मैंने बोला हाँ, 1.5 लाख रुपए अपन माइनस कर सकते, ठीक है। अब अगर अपन और बात करें क्वेश्चन को देख लें तो क्या कुछ पिछले साल का बकाया भी आया? अगर कुछ पिछले साल का बकाया भी आया जो कि क्या था 1 लाख, तो क्या वो इस साल की इनकम है कि पिछले साल की इनकम? तो क्या इसको आप शॉर्ट में आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग बोल सकते हैं? आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग कितना हो जाएगा आपके पास 1 लाख। इस पे स्टार मार्क लेना कि क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए आप इसको आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग मान रहे हो। हमेशा इसको आप आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग नहीं मान सकते हो अगर इन्फॉर्मेशन कुछ और भी गिवन होगी तो। तो सर ठीक है, आपका आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग कितना हो गया 1 लाख। अच्छा इस साल के कितने बकाया है अगर अपन बात करें तो? सर अभी तो अपन ने हिसाब किताब निकाला था, इस साल के 2 लाख बकाया है ना, 50 लाख फीस बनती थी, 48 लेके आई। तो ये जो तुम्हारे 2 लाख है वो क्या है? आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो सर अगर मैं चाहूं यहाँ समझने की कोशिश करूं, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना हो गया 1 लाख और आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना हो गया 2 लाख। तो सर आप सिस्टमेटिकली आउटस्टैंडिंग एट एंड के नाम ऐड कर दो 2 लाख और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग के नाम ऐड कर दो 1 लाख। तो 50.5 में से अगर आप 2 लाख प्लस करोगे फिर 1 लाख माइनस करोगे तो यहाँ पे नेट आ जाएगा 50 लाख। ये एक्चुअल आता है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो कि एक्चुअल क्रेडिटेड टू द पीएनएल। तो ये आपका नेट क्या आ गया आपके पास सब्सक्रिप्शन। गॉट इट सर, इसको हाथों हाथ बैलेंस शीट में भेजें क्या? तो मतलब खुद बता, अब प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट एंड पता है क्या तेरे पास कितना है 1.5 लाख। तो एंड है तो कहाँ पे आएगा यहाँ पे, ये क्या है आउटस्टैंडिंग एट क्या है एंड है, ये कहाँ पे आएगा यहाँ पे। सर ये क्या है आउटस्टैंडिंग एट क्या है बिगिनिंग, ये कहाँ पे आएगा यहाँ पे। और एडवांस एट बिगिनिंग में तो कुछ है ही नहीं, और क्योंकि एडवांस एट बिगिनिंग में कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे आपका पार्ट खत्म होता है, ठीक है क्या? एक बार चेक कर
चले अगर अपन इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हम किस तरफ चल रहे हैं, अगर हम बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपन सॉल्व करना अच्छे से सर। ठीक है, अगर अपन क्वेश्चन को शुरू करें कि क्वेश्चन किस तरफ चाह रहा है अपने से जाना, तो मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, तो अगर अपन कैलकुलेशन भी चाहें तो कुल मिला के 130 मेंबर्स थे, और 130 मेंबर्स अगर 10,000 रुपीज दे रहे हैं तो साल भर के आने के लिए चाहिए, लेकिन 130,000 में से 10,000 तो एडवांस एट बिगनिंग में आ गए, यस और नो, कि जो पैसा पहले आ गया था, तो इस साल के आने कितने चाहिए? सर 120,000 आने चाहिए थे, और इस साल के फिर आए कितने? अगर अपन बात करें तो सर इस साल के आए कितने? 120,000। तो सर आने भी चाहिए थे 120,000 और आए भी कितने? 120,000। सर इस साल के बनते कितने थे? तो 130,000। इस साल के बनते कितने थे? 130,000। लेकिन 10,000 लोगों ने पहले ही पेमेंट कर दिया था साल शुरू होने के पहले, तो अल्टीमेटली नेट इस साल कितने बनते थे फिर? 120,000 और आ गए 120,000। मतलब सर इस साल का तो कुछ बकाया नहीं, मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? जीरो। लेकिन कोई पुराना बकाया है क्या? अब पुराना बकाया मतलब साल के पहले ही कुछ बकाया था क्या? तो आपको सोचो 18-19 में लोगों से पैसे, अगर मैं बात करूं 18-19 भी नहीं 17-18 में लोगों से पैसे कितने थे? 16,000। ये हमारा क्या था? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। ये हमारा क्या था? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। 16,000 में से आए कितने इस साल? आए कितने? 10,000। मतलब पुराने मकार थे 16,000, उसमें से आया कितना? 10,000। तो बचा कितना? 6,000। बचा कितना? 6,000। अगर मैं बात करूं सिस्टमेटिकली और अच्छे से, तो सर जब आप सब्सक्रिप्शन वाली बात करेंगे ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अगर अपन चले तो सब्सक्रिप्शन रिसीव टोटल कितना हुआ था बताओ? 1,25,000। अब इसमें आउटस्टैंडिंग एट एंड मतलब साल के एंड में कितने बकाया थे? तो सर वो अपन ने भी निकाले 6,000। ऐसे पिछले साल के 16,000 बकाया थे, उसमें से 10,000 आ गए थे, तो अभी 6,000 अभी बकाया चल रहे हैं। माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, साल के बिगिनिंग में बकाया कितने थे? 16,000। क्वेश्चन ने परोस के दिया था आपने को ये, तो सर एडवांस एट बिगिनिंग मतलब साल के शुरू होने के पहले कैसे पैसे आ गए थे? तो वो आ गए थे अपने पास कितने? 10,000। और सर एडवांस एट एंड कितना? तो सर एडवांस एट एंड मतलब आपका अगले साल का पैसा जो आया था वो कितना आया था? 7,000। अगर आप सारे इसके चीजें जोड़ लें तो कहीं ना कहीं नेट आना चाहिए 130,000। तो सर थे भी कितने? 130,000 ही होना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू पीएनएल या इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो राइट सब्सक्रिप्शन है वो कितना है? 130,000। सर ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की कौन सी साइड? एसेट कौन सी बैलेंस शीट? क्लोजिंग, ठीक है ना। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड कौन सी? क्लोजिंग। सर ये जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड कौन सी? ओपनिंग। और ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड कौन सी? ओपनिंग। क्या इसको आप डाल सकते? मैंने बोला हाँ, मतलब अच्छी बात है कहीं ना कहीं, और सिस्टमेटिक भी है, एक बार चेक कर लो आया कि नहीं आया, और सिस्टमेटिक देख एक से। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमें जरा देखते हैं। सर देखो सीधी बात है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको 2020 का पैसा भी आया है, 21 का भी आया है, और शायद 22 का भी आया है, 31 मार्च बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारी बुक का। तो यहाँ पे कितने आए हैं? 1,600। यहाँ पे आए हैं 120,000, और फिर यहाँ पे कितने आए हैं? 7,000, जो कि सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी 84,400 और 3,200 84,400 और 3,200 है आपके साथ,
84,400 3200। क्वेश्चन की फर्दर इंफॉर्मेशन पढ़ू तो 450 मेंबर्स थे और 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन पे करते थे, तो इसका मतलब ये जो साल है आपका खासकर 2022 है ना, जो आपका मेन साल है 2021, इसका पैसा आपको इस साल मिलना कितना चाहिए था, टोटल 90,000 रुपए। मिला कितना है 84,400, बकाया कितने हैं 5,600। आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, ये फॉर द ईयर और एज ऑन में भी फर्क होता है, बताऊंगा इसका मतलब। फॉर द ईयर 2021 मतलब 2021 के लिए कितने बकाया हैं 5,600। एक होता है फॉर द ईयर और एक होता है एज ऑन, क्योंकि एज ऑन में क्या आता है, जब आप एज ऑन बोल रहे हो तो आज तक टोटल कितने बकाया है, जब आप एज ऑन बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या, आज तक टोटल कितने बकाया है। और जब आप फॉर द ईयर बोल रहे हो तो फॉर द ईयर का मतलब इस साल के कितने बकाया, तो भाई इस साल के तो कितने बकाया है 5,600। अभी अपन थोड़ा सा और देखते हैं, क्या क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए हुए क्या। वो क्वेश्चन बोल रहा है 1800 वर इन अरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब क्वेश्चन ने बोल दिया कि आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, मतलब पिछले साल कितने बकाया थे 1800, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना है 1800। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना, पिछले साल मतलब कि साल चल रहा है 1920, मतलब ये वाला साल 1920 का, ठीक है ना, 1920 में कितने बच्चों से कितनी फीस लेना बाकी थी, तो वो तो थी 1800। इस साल आके उनमें से बच्चों ने दी कितनी, तो अभी और कितनी बकाया है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को कोई बोले कि साल 2021 में टोटल कितने बकाया है, मैं बोलूंगा 5,800। इसका 5,800 का अर्थात है ये हो गया आउटस्टैंडिंग एज ऑन 2021। तुम अगर अपने पापा से पूछोगे ना कि पापा बिजनेस कर रहे हैं, और पापा से पूछो कितने लोगों से लेने बाकी, पापा बोल रहे कौन से बताओ, जिन लोगों से आज तक के लेने बाकी कि इस साल के लेने बाकी है। अगर इस साल के लेने बाकी है मतलब फॉर द ईयर, तो इस साल के लेने कितने बाकी हैं 5,600। आज तक के कितने लेने बाकी हैं तो 5,800, क्योंकि ये 1800 के कोई ऐसे मक्कार हैं जो पिछले साल के उनके बकाए थे 1800, उसमें से दे कितने दिए 1600, तो और कितने बाकी हैं 200। तो अगर आज की टोटल, अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि सर अगर हम आपकी अकाउंटिंग करना चाहें तो जो बच्चों ने इस साल ज्वाइन करा और उन्होंने इस साल की फीस बकाया है, तो होगा आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। आज तक की कितनी फीस बकाया है, मतलब उसमें इस साल के मक्कार नहीं, उसमें पुराने मक्कार भी आ जाएंगे, जो पिछले साल भी पढ़ रहे थे उस साल की भी, उसकी मम्मी बोल रही दे रही हूँ। ऐसा होता नहीं, चिंता मत करो। आया समझ में कि नहीं आया, यहाँ पे सारा एडवांस कंसेप्ट है, बट ठीक है, आया समझ में। तो आया समझ में ये चीज। तो सर अगर आपसे बोला एक्चुअल एज ऑन कितने बकाया है, तो 5,800 की उर का डाउट ये क्लियर कर दूं कि इसमें से ऑलरेडी अपन 1800 रुपए कर देंगे माइनस पिछले साल के, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर अब इसको आप सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे, जैसे अपन हमेशा लिखते हैं, क्या लिखेंगे अपन, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो सर टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया, सबको ऐड कर लो, मतलब यहां तक अगर आप ऐड करोगे तो ये तीन फिगर आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो टोटल सब्सक्रिप्शन आपके पास आ जाएगा कितना 89,000 कितना 200। और अगर आप इस 89,200 की बात करें तो सब्सक्रिप्शन रिसीव तो कितना हो गया 89,200 प्लस क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो साल के एंड में कितने बकाया है सर 5,800। किसी को बहुत क्लियर लिखना हो तो वो लिख ले कि 5,600 इस साल के और 200 पिछले साल के, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, साल के बिगनिंग में कितने बकाया थे, तो सर क्वेश्चन ने हमको परोस के दिया वो कितने हैं 1800, सर ये भी ठीक है, कहीं ना कहीं वो कितने हो गए 1800। प्लस अगर मैं बात करूं एडवांस एट बिगनिंग, क्या साल के एडवांस में कुछ मिला था, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, माइनस एडवांस एट एंड, तो ये तो तुम्हारा दिल भी धड़क गया होगा कहाँ पे, जहां पे मैं तुमको बोल रहा था कि जब भी अगले साल का फिगर आए तो यहाँ पे आपका माय हार्ट इज बीटिंग, आया समझ में कि नहीं आया, तो यहाँ पे आपका बोलना चाहिए कि ये हार्ट इज बीटिंग क्यों है, क्योंकि ये क्या है प्रीपेड एट एंड, ये प्रीपेड एट क्या है एंड। तो सर अगर इसके बारे में बात करें या सिस्टमेटिक बात करें तो हम किस तरफ जा रहे हैं, मैंने बोला ये लो यार दोस्तों, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 3,000 कितना 290,000। पूरा अल्टीमेटली हिसाब पहले से आपको पता होना चाहिए कि साल की फीस बनती कितनी थी 90,000, पानी भी कितनी चाहिए 90,000। आया समझ में,
तो दिस इज सब्सक्रिप्शन नेट क्रेडिटेड टू पीएनएल। सर इनकी जगह बताओ, सर देखो ये एसेट है, आउटस्टैंडिंग का मतलब ही क्या एसेट, ये भी क्या है एसेट और ये क्या है लायबिलिटी और फिर ये क्या है आपके पास लायबिलिटी, आया समझ में अगर अपन बात करें सर। लेकिन जो बिगिनिंग वाली है वो बिगिनिंग बैलेंस शीट, जो क्लोजिंग वाली है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट, गॉट इट, आया समझ में। सर एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है और ये इन्फॉर्मेशन तो फिर आपके सामने ही रहेगी, तो एक बार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखने की कोशिश करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। सर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो मैंने कहा चलो ठीक है लिख लेते हैं अपन, अगर अपन बात करें और बहुत सिस्टमेटिक बात करें तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा, तो क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर इज कितना आपका 4,09,000, उसमें कुछ लिखा हुआ भी है इंक्लूडिंग क्या 5,000 फॉर 2020 और 10,000 फॉर 2022। सर इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें उसने बोल के रखा है, इसमें पहली बात तो ये कब की बात चल रही है, 2021 की बैलेंस शीट बनी हाँ कि ना, तो आपका 21 क्या होगा फाइनल ईयर है ना, तो बोल रहे हैं 5,000 तो पिछले साल क्या है, कब क्या है 2020 क्या है, और खुद ही बोल रहे हैं कि इसमें 10,000 किसके है 2022 की। ऐसा सुनते ही मेरा दिल कहीं ना कहीं 2022 है ना, ये सुनते तो मेरा दिल बोलता ना माई हार्ट इज बीटिंग, तो ये क्या हो गया एडवांस एट एंड, मैंने बोला भाई तू तो चिंता मत कर, तू नीचे चले जा और तू एडवांस एट क्या हो जा एंड, तो एडवांस एट एंड मतलब अगले साल के लिए कितने आ गए 10,000। सर क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है ना, परोस के दे रहा है तो अपन कोई चिंता करें। अच्छा सर आपने ये 5,000 को आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्यों नहीं माना, क्योंकि पिछले साल के 5,000 रुपए आए हैं, पिछले साल बकाया कितने थे क्या पता, समझ में आ रहा है, पिछले साल के कितने रुपए आए 5,000, मतलब किसी बच्चे को मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था उसने इस साल आगे मेरे को 5,000 रुपए दिए, उसकी फीस 5,000 ही बनती थी कि ज्यादा भी हो सकती है, तो ज्यादा भी हो सकती है, तो आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग के मेरा हार्ट बीट नहीं कर रहा है, हर किसी को देख के थोड़ा बीट करता है, किसी किसी को देख के करता है ना क्या, हाँ स्टूपिड्स। चलें तो अगर अपन बात करें आगे क्वेश्चन की, तो एट द एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द 31st मार्च 2021 15,000, थैंक यू, क्वेश्चन को बोलो थैंक यू, क्वेश्चन ने निकाल के दिया अपने को outstanding subscription as on बोल रहा है, मतलब आप कुछ calculate ही मत करो, as on बोल रहा है 2021 कितना, अगर अपन बात करें तो 15,000 रुपए first outstanding at क्या हो गया and और subscription due but not received previous year कितना है 8,000, और question को thank you बोलो, वो खुद ही outstanding at beginning के बारे में भी information दे रहा है कि पिछले साल के बकाया कितने थे 8,000। देखो इसका मतलब अपन ये 5,000 को लिख लेते ना, कि पिछले साल के बकाया कितने थे 8 में से आए कितने 5, बाकी बचे हुए 3 ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं एज ऑन, मतलब ना सब कैलकुलेशन करके दिया है बाकी ना। चलें कुछ और ही बोल रहा है क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट, मतलब क्या एडवांस एट बिगिनिंग, कब कौन सी डेट को बोल रहे हैं वो लोग, ये कौन सी डेट का है 2020 का, तो एडवांस एट बिगिनिंग आपको 2020 का, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ऑन दी सेम डेट, तो कितना है वो अगर अपन बात करें तो 18,000 रुपए। सर क्या इसको सॉल्व कर ले, मैंने बोला हाँ सॉल्व करोगे तो शायद आपका नेट आंसर आ जाएगा, अगर अपन ऊपर अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से तो शायद जितना मैं समझ पा रहा हूँ आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, सॉरी फॉर द ईयर बोला है, एज ऑन नहीं दिया है, फॉर द ईयर बोला है, तो यहाँ पे वो 3,000 रुपए ऐड हो जाए, ठीक है, क्यों 3,000 रुपए ऐड हो रहे, पिछले साल के बकाया कितने थे 8,000, पिछले साल के आए कितने 5,000, तो पिछले साल के कितने बाकी और 3,000, आप चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने आउटस्टैंडिंग क्या बोला है फॉर द ईयर, तो सर क्या यहाँ पे नजर टिकी करनी पड़ेगी, हाँ तो यहाँ पे आप देखना कि इसने फॉर में क्या बताया था 15, तो उसमें अपने ऐड कितनी करेगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप फिर नजरें तिकी कर लो, आंख बना लो थोड़ी सी अच्छी सी, तो अगर आप देखोगे तो अब आएगा टोटल आंसर आपका
427,000 जो आपका आंसर आना चाहिए अगर अपन सिस्टमेटिक देखें इसको और बहुत क्लैरिफाइड तरीके से करना चाहें, तो इसका आंसर आपका 427,000 आना चाहिए, ठीक है ना। इसमें ये बात अगर आप इस फॉर्मेट को एज इट इज कॉपी कर रहे हो तो आप ध्यान रखना है, बोलोगे ए ए ले ले, तो ए ए ले ले मतलब ये दोनों क्या है, एसेट एसेट, ये दोनों क्या है, लायबिलिटी लायबिलिटी। भाई सीधी बात है, जो एंड की है वो एंड की है, जो बिगनिंग की है वो बिगनिंग की, दिस इज एंड, दिस इज बिगनिंग, दिस इज बिगनिंग एंड दिस इज एंड, ये यहीं पे गिवन है, ठीक है ना। तो ए ए ले ले, ठीक है। अगर अपन अब आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर जो स्टार्टिंग वाला था, कौन सा वाला था, 16, वो करा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ गया, तो 16 भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें पर्टिकुलरली अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर 4,20,000। थैंक यू बोलो, खुद ही बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर अपन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा आपको कितना, 4,20,000। क्वेश्चन बोल रहा है 4,00,000 कितना, 20,000। अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट क्या गिवन है, दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 फॉर 2020, मतलब ये पिछले साल के बोल रहे हैं, मतलब ये साल कौन सा है, 2021, तो ये 14,000 पिछले साल के बोल रहे हैं। और ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कितना, 10,000। तो 2020 का सब्सक्रिप्शन क्या बोल रहे हैं वो लोग, अगर खुद ही बोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितने थे, साल के स्टार्टिंग में 2020 में कितने बकाया थे, तो बकाया कितने थे आपके, कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो 10,000, सही है यहां तक, ड्यूड बट नॉट रिसीव, ठीक है ना, कितना, 10,000 रुपए। तो सर ये तो आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग था, मैंने बोला हाँ। अगर आगे की बात करूं कि 14,000 आपके खाते में आ गए, अगर मैं बात करूं किसमें आ गए आपके पास, 31 मार्च 2020 को ही आ गए, इसका मतलब उस 14 में से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक ईयर की गलती लिखी करी भी शायद ये,